बिजनौर के नगीना देहात में आज एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी और शव को बुग्गी में लादकर नहर किनारे ले जाकर जला दिया। पुलिस ने पति और ससुर को गिरफ्तार कर हड्डियां बरामद की। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर के नगीना देहात थाना क्षेत्र के चंदनवाला का है, जहां के रहने वाले चेतन की शादी 11 साल पहले मुरादाबाद की रहने वाली रीना के साथ हुई थी। एसपी देहात संजय कुमार के मुताबिक चेतन ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी रीना की गला घोटकर हत्या कर दी और आरोपी के पिता महेंद्र ने शव को बुग्गी पर लादकर नहर किनारे ले जाकर जला दिया। हड्डियां बरामद कर बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। थाना नगीना देहात क्षेत्र के अंतर्गत जो है 11 तारीख की रात में पुलिस को सूचना मिली थी 7:30 बजे की, जो है एक गांव में किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, उसकी डेड बॉडी गायब कर दी है। सूचना पर तत्काल जो है वहां की थाना अध्यक्ष जो है मौके पर पहुंची, जानकारी ली, उसके पति उसके घर वाले को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। देर रात में क्षेत्राधिकारी नगीना और मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि जो पति जो है उसकी पत्नी जो है किसी से प्रातः मोबाइल से बात कर रही थी और उसकी संबंध में उसने जो है कहा सुन भी आवेश मांगकर उसने उसकी गला दबा कर हत्या कर दी। जो उसके पति था उसके फादर ने उसने बुलाया, फादर ने उसकी डेड बॉडी को एक बोरे में बंद करके ले गया और पीछे जो है नहर दी, बैलगाड़ी में बैल की बॉडी रखी और लकड़ियाँ रखी नहर के पास, अकेली उसने बॉडी रखी और उसमें आग लगा दी, पतील में पूरी बॉडी जल गई। शाम के टाइम वो गया तो हड्डियाँ वगैरह थी दो की, बाद में पुलिस द्वारा बरामद की गई, उसकी निशानदेही उसने बताया। घटनास्थल बिल्कुल हम लोगों ने देख लिया है और हड्डियाँ मिल गई, राग मिल गई है, मृतका का मोबाइल बरामद कर लिया गया है और दोनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए जिन्हें आज जो है जेल भेजा जा रहा है।